तो सबसे पहले स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि यहां पे 30,000 की जो है लिमिट मिली हुई है और यहां पे 30,000 में से 15,000 का लोन चाहिए। तो यहां पे 15,000 का लोन हमारे सब्सक्राइबर ने सेलेक्ट किया 2 महीने के लिए और यहां पे 15,000 में 1125 का इंटरेस्ट लग रहा है, 525 की प्रोसेसिंग फीस लग रही है और 16,125 का रिपेमेंट करना है, 14,475 रुपए आपके अकाउंट में आ रहा है, सिर्फ 525 रुपए लग रहे हैं प्रोसेसिंग फीस के, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं कट रहा है। यहां पे टर्नर टाइम लोन अमाउंट आप खुद से चुन सकते हैं, जितना आपको लोन चाहिए जितना आप यहां पे टर्नर टाइम चाहे सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और ये इसकी एनबीएफसी है, ठीक है। तो यहां पे जो ये लोन ऐप है मात्र आपको 41 रुपए महीने के ब्याज पे लोन प्रोवाइड कर देती है अगर आप 10,000-15,000 का लोन लेते हैं, 18 रुपए दिन ब्याज पे आपको लोन प्रोवाइड कर देगी। तो ये आपके प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका 41 रुपए 18 रुपए आपका क्या ब्याज लग रहा है। यहां पे आपका ब्याज बहुत ही कम लगने वाला है दोस्तों, बहुत ही अच्छी ऐप है, न्यू लोन ऐप है, 4.0 की इसकी रेटिंग है, रेटिंग अप डाउन होती रहती है, 4.0 भी हो जाएगी, 4.1 भी हो जाएगी, 3.9 भी हो जाएगी, तो बहुत ही जबरदस्त ऐप है, लो सिविल पे आपको घर बैठे लोन मिल जाएगा। तो यहां पे मैं आपको अगर थोड़ा डिटेल से बताऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 30,000 की इनको लिमिट मिली हुई है मैक्सिमम, जहां पे इन्होंने 15,000 के लोन के लिए अप्लाई किया है वो भी 2 महीने के लिए, मैक्सिमम 3 महीने के लिए आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं, आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात देखिए कि यहाँ पे जो लोन अमाउंट है 15,000 का ये लोन ले रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे 15,000 का ये लोन ले रहे हैं और इंटरेस्ट रेट की बात कर ले यहाँ पे जो है इंटरेस्ट रेट जो है 1125 का लग रहा है, ठीक है। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेटर में तो यहां पे देखिए ये 60 दिन के लिए लोन ले रहे हैं, 1125 का इंटरेस्ट लग रहा है, तो 1125 बटे 60 करेंगे तो यहां पे लगभग 18 रुपए पर डे का ब्याज निकल के आ रहा है आपका, ठीक है। प्रोसेसिंग फीस की बात कर ले तो यहां पे मात्र 525 रुपए की प्रोसेसिंग फीस लग रही है, आप देख पा रहे होगे, और टोटल जो रिपेमेंट करना है 16,125 रुपया करना है, यहां पे मैंने मार्क कर दिया है, और टोटल आपके अकाउंट में पैसा आएगा 14,475 रुपया, मतलब 15,000 में आप 525 प्रोसेसिंग फीस माइनस करेंगे तो यहाँ पे 14,475 रुपया निकल के आ रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छी ऐप है। यहाँ पे आपको मैंने दिखा दिया किस तरह से 18 रुपए का ब्याज लग रहा है, 30,000 का यहाँ पे जो है लोन अप्रूव हुआ था और यहाँ पे खुद से लोन अमाउंट सिलेक्ट करके 15,000 का लोन ले लिया है, वो भी 60 दिन के लिए, मैक्सिमम आप 3 महीने 6 महीने तक का लोन ले सकते हैं, 2 महीने 3 महीने 4 महीने मैक्सिमम 6 महीने तक का लोन आप घर बैठे ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल और दिखाता हूँ, तो यहाँ पे इसी ऐप का एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। देखिए अगर आपने मान लीजिए 10,000 का लोन लिया, ये 10,000 का लोन लेते हैं, 20% आपको इंटरेस्ट लगेगा पर ईयर के हिसाब से, ठीक है। मैक्सिमम यहाँ पे जो पीरियड है मतलब जो टर्नर टाइम है वो 4 महीने का आपको मिल जाता है, मैक्सिमम 4 महीने का, ठीक है, मैंने कहा मैक्सिमम 6 महीने तक का आपको मिल जाता है। 350 की प्रोसेसिंग फीस लग जाएगी, 10,000 में 350 माइनस कर दो 9,000, यहाँ पे देखिए ये इतना आपके अकाउंट में पैसा आएगा 9,650 का, ठीक है, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया, आप देख पा रहे होगे टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे जो लग रहा है 164 रुपए, आप ये चीज देखिए 164 रुपए का इंटरेस्ट लग रहा है अगर 10,000 का लोन 4 महीने के लिए लेते हैं आप, यानी टोटल जो रिपेमेंट करना है 10,164, ठीक है, और इसमें 350 की प्रोसेसिंग फीस और है, तो मतलब कि 350 रुपए तो खत्म कर दो, 164 का इंटरेस्ट लग रहा है मतलब 4 महीने में। अगर आप कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करते हैं तो यहां पे 41 रुपए 1 महीने का ब्याज निकल के आ रहा है, और दिन का अगर करेंगे तो 1 रुपए निकल के आ रहा है, तो अगर आप यहां से 10,000 का लोन लेंगे तो आपको 41 रुपए का ब्याज लगेगा मात्र मात्र इस लोन ऐप से। टोटल रिपेमेंट करना है आपको 10,164 रुपए का। दोस्तों आप कह रहे होगे ये गप है, ऐप बारे लिखते हैं होता कुछ नहीं है, मैं मानता हूं कि 164 है, मैंने मान लिया कि 500 लग रहा है हद से हद, तो अगर 500 को भी आप 4 से डिवाइड करेंगे तब भी आपके करीब 125 रुपए के आसपास बैठ रहा है। तो दोस्तों ये चीजें हैं इस लोन ऐप की, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, मेरा मतलब ये जो चित्र से दिखा रहा हूं कि बहुत ही कम ब्याज पे आपको लोन प्रोवाइड कर देती है, 10,000 का लो, 15,000 का लो, 20,000 का लो, 25,000 का लो या 35,000 का लो, आप यहां पे मैक्सिमम 35,000 तक का लोन घर बैठे ले सकते हैं। तो इस ऐप की ये खास बात है। चलिए आपको अब मैं अबाउट अस में जाके आपको और डिटेल्स प्रोवाइड करता हूं कौन सी ऐप है ये भी आपको बताऊंगा, तो और डिटेल्स शेयर करो, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके, और साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पर आईडी लिख के आ रही होगी @vinaylv0, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का डायरेक्ट लिंक दे दे रहा हूं, उस पर भी डायरेक्ट क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, हर बार यूट्यूब पे नहीं बोल सकता हूं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और एक बात का ध्यान रखें, लोन तब लें इस ऐप से लें या किसी ऐप से लें अगर एनबीएफसी आरबीआई अप्रूव्ड है, लोन तब लें जब चुकाने में सक्षम हो, इमरजेंसी हो, नीड हो, फालतू में लोन लाने अगर लोन लेते हैं
और समय से नहीं चुकाते हैं, तो ये लोग आपको परेशान करेंगे। इस बात को पहले ही क्लियर करता हूँ, कोई भी लोन है, कोई भी बैंक दूध की धुली नहीं होती है। सगा भाई से भी अगर पैसे उधार लोगे वो भी आपका गर्दन पकड़ लेगा टाइम पे, अगर आपने समय से पैसा, पैसा चीज ही ऐसी होती है, तो लोन तब ले जो चुकाने में सक्षम हो। फिर आप कहो यार तुम तो पहले एक तरफ कहते हो कि लोन आपको प्रमोट करो, लोन ले लो, फिर कहते हो एकदम जेल जाएगी। अरे भाई जो सारी चीजें हम क्लियर कर रहे हैं ना, लोन लो समय से लो, जरूरत हो तब लो, अब जब नहीं चुका सकते हो मत लो, फिर भी आप ले लोगे तो भैया नोटिस है, सिविल डाउन है, एजेंट का आना है, सारी चीजें फिर तो होंगी ना। इस चीज को समझो, आप आपके हाथ में, आपको क्या करना है, लोन लेना है या नहीं लेना है, या आप जब जरूरत है तब लेना है, जब मौज में लेना है, ठीक है। चलिए आप लोन डिटेल शेयर कर देता हूं या स्क्रीन पे देखिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके 1 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स हैं, 3.5 की रेटिंग है, रेटिंग मतलब मीडियम है, आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो। 3 से अगर नीचे होती है थोड़ी दिक्कत होती है, 3 से ऊपर ही है, 3.5 है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अबाउट द ऐप में चलेंगे दोस्तों। यहाँ पे ये ऐप साफ साफ बोलती है कि भैया ये सिर्फ सैलरीड वालों को लोन प्रोवाइड करेगी। जी हाँ दोस्तों, ये सैलरीड वालों को ही लोन प्रोवाइड करेगी। आपकी सैलरी कम से कम 20,000 की होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है मिनिमम मंथली सैलरी 20,000, और ये ऐप मिनिमम 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, मतलब 2 के मल्टीपल में ये जो है इनका टर्न टाइम रहता है, लोन प्रोवाइड कर देती है। 21 साल से कम की एज नहीं होनी चाहिए। आपकी सैलरी बैंक में रिसीव होती हो, उस बैंक का स्टेटमेंट आपको लगाना पड़ेगा, लास्ट के 3 महीने का, 6 महीने का, ठीक है ना। ऑनली साइड पर्सन ही इसमें ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे ये इसकी NBFC है, जस्टन एक्सपोर्ट लिमिटेड संपत्ति सिक्योरिटीज लिमिटेड, ठीक है। और ये लोन ऐप जो है 35,000 से ज्यादा का लोन प्रोवाइड नहीं करती है। आप सैलरीड एम्प्लॉयज हैं, आपका सब कुछ ठीक है, तो यहाँ पे आपको 35,000 तक का लोन मिल जाएगा। अब आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करता है आपका प्रोफाइल कैसा है। अगर आपका सिविल ज्यादा ही घटिया है तो आपको ब्याज थोड़ा ज्यादा लग सकता है, आपका सिविल बहुत बढ़िया है तो आपको वही 41 रुपया, 45 रुपया, 50 रुपया महीने का ब्याज लगने वाला है। तो यहाँ पे आपको मैं जानकारी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है 10,000 से लेकर 35,000 तक का लोन मिल जाएगा। 35,000 तो दिया है वो ठीक है, लेकिन मिनिमम 5,000 तक का मिल जाता है, ठीक है। मैं आपको क्लियर करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक है, पुराना अपडेट है, ठीक है, वो चेंज हो चुका है। यहाँ पे पूरी जो तामझाम लिखा हुआ है आपसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे इस ऐप की मुझे बहुत अच्छी लगी, अगर आप लोन लेते हैं तो यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी, डॉक्यूमेंट चार्जेस, ये फलाना चार्जेस, जे चार्जेस, ओनली प्रोसेसिंग फीस काटते हैं। 10,000 का है लोन, केवल प्रोसेसिंग फीस काटेंगे 350 रुपया, ठीक है। 9,650 अकाउंट में गिरेगा, उसके बाद 164 का ब्याज लग जाएगा। 350 164 जोड़ोगे तो लगभग 500 रुपये, मान के चलो 500 रुपये ही आपको भुगतने पड़ रहे हैं 4 महीने में। अगर हम 500 रुपए का भी हिसाब लगाते हैं तो 125 रुपए महीने का हमको जो है कॉस्ट लग रही है इस लोन की। लोन पूरा पूरा अकाउंट में आ रहा है, 350 का कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं होती, और बहुत सी ऐप है स्टैम्प ड्यूटी, डॉक्यूमेंट चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, ये लौड़ा लसन दुनिया भर की चीजें कर देते हैं यार। इस ऐप की मुझे यही खास बात अच्छी लगी है। और बाकी का यहाँ पे आधार कार्ड देना, पैन कार्ड देना, सैलरी देनी है, लास्ट के 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट देना जिसमें आपकी सैलरी आ रही है, सैलरी शो हो रही हो कि हाँ इस कंपनी से सैलरी आपकी जो है क्रेडिट हो रही है आपके अकाउंट में। बात खत्म है, आपको लोन आसानी से मिल जाएगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी, आपको वहां से भी जानकारी मिल जाएगी, आप देख लीजिए। अभी हाल ही में ये लॉन्च हुई है 22 अगस्त को और 10 अक्टूबर को लास्ट अपडेट हुई, तो हाल ही में ये 2-3 महीने हुए, ज्यादा टाइम हुआ, तो अभी हाल ही में ये न्यू लोन अब लॉन्च हुई है, कम ब्याज आपको लोन मिल जाएगा। इस ऐप का नाम देख लीजिए दोस्तों, क्या है, क्रेडिट टी प्लस लोन मेड इजी करके, क्रेडिट टी प्लस लोन ऐप हाल ही में लॉन्च हुई। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको वो भी दिखा देता हूं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से भी आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे आपको, देखिए इस तरह से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको ये मालूम करना है कि NBFC क्या है, वही NBFC निकल के आएंगी जो आपको मैंने अभी दिखाई है। देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा NBFC पार्टनर, देखिए डेस्टॉन एक्सपोर्ट लिमिटेड और ये संपत्ति सिक्योरिटी, इसकी वेबसाइट पे जाकर भी पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो ये है ऐप की पूरी जानकारी, यहाँ से आप घर बैठे लोन आसानी से ले सकते हैं। दोस्तों ये तो थी ओनली सैलरीड वालों के लिए, जो अगर आप सैलरीड पर्सन है, 20,000 की सैलरी आपकी आती तो आपको घर बैठे लोन मिल जाएगा कम ब्याज पे। आप सैलरीड पर्सन नहीं है, एम्प्लॉयड है, नहीं मिलने वाला। आप कुछ भी करते हो, सैलरीड पर्सन नहीं है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। अब बात आती है आपके, आप तो सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड है, आप कोई काम करते नहीं है, क्या करें। तो मैं आपको दो ऐप बताऊंगा, ट्रू बैलेंस और नावी, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। दोनों को मेरे लिंक से डाउनलोड करो, आधार कार्ड लगाओ, पैन कार्ड लगाओ, बिना किसी इनकम प्रूफ के 1,000 से लेकर 15,000-20,000 तक का लोन घर बैठे ले सकते हैं। ट्रू बैलेंस को मेरे लिंक से डाउनलोड करो, 1,000 से लेकर 15,000 तक का लोन मिल जाएगा बिना किसी इनकम प्रूफ के। और अगर नावी को मेरे लिंक से डाउनलोड करते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आपको कैश ऑन पे क्लिक करना है, 25,000 का लोन 9 महीने की EMI पे 9 महीने के लिए आपको मिल जाएगा घर बैठे सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड पे। दोनों के मैंने आपको ऑप्शन दे दिए हैं, अगर सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड पे लेना चाहते हो तो ये ऑप्शन है आपके पास, ट्रू बैलेंस और नावी, ठीक है। उम्मीद है कोई जानकारी मिलेगी। इसी के साथ कोई और दिक्कत है, आपका लोन का रिपेमेंट है, आप नहीं चुका पा रहे हो, हमें संपर्क करो, हमसे जितनी मदद होगी हम आपकी पूरी सहयोग करेंगे, चाहे हमें
20% 10% आपकी जो मदद कर सके, जो भी आपकी लोन अमाउंट है उसके आपसे आपकी मदद कर देंगे, या आप जो भी लीगल नोटिस है, घर पे एजेंट आ रहा है, FIR दर्ज हो गई है, या कुछ भी मुकदमा दर्ज हो गया, कोर्ट में केस चले लगा है, कोई भी लोन की जानकारी है, परेशानी है, हमसे संपर्क करो, आपको घर बैठे जानकारी मिलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, अब इसी के साथ मैं चलता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।